राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बेरा। आप किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। मैं किस लिए तैयार? इसके लिए, इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी दोबारा, और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसको फोन मिला है? बता तो दे किसको फोन मिला भाई। न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल, कौन बैरागी, कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद जी आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है, क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे को नहीं है। सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ, जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं, आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास एक डिग्री? और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? ये तो पढ़े लिखे है ही, ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देन है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है एक डिग्री, एक डिग्री, और गर्मी लगातार पड़ रही है इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था, ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला। लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है, यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी, डिग्री पाते हैं। अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बन, बड़े आदमी बनते हैं, बड़े आदमी बनते पैसा कमाते, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी, गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है, पड़ रही है। भाई साहब कोई सवाल नंदकिशोर जी से? हाँ नंदकिशोर जी, ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरे में बम निकाल दूंगा। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, बोल कहाँ से? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा। अब इसे बउआ ने क्या किया सुनते। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, क्या दो मिनट होंगे? हाँ दो मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? दो मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता, पहले मुर्गी आई कि अंडा? तू पागल है क्या? नहीं गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। नहीं बस बस। हेलो अंकिल, क्या पागल है? मुर्गी अंडा नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी नहीं 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 जी यार, ऐसा गंदा गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता, अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब सुन के जाओ, सुनो जल्दी भौंक और फिर मर जाओ। मर एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है, मेरे साथ बैजू है। बैजू हाय, क्या हाल है बैजू? भैया ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू बैजू त्रिवेदी है? नहीं बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी फ्री है क्या तुम? नहीं फ्री नहीं। एक सेकंड, मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अरे ढैंचू सुन तो ले, पहले अंडा आया, पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। ठीक है, मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है, फिर ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैक आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ के बाद चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब उसके बाद फिर उसके बाद फिर हिचकी। ओह माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे आप। बस करिए, मैं बस, यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई? पहले पहले तेरा बाप आया उसके बाद। ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास बिल। अंडा मुर्गी बहुत देर चखना, फिर हिचकी आई, फिर बिल आया। बिल नहीं आया मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा।
भाई बिस्मिल्ला जी ने बहुआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी, अब इसी पर बहुआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। अंकिल आवाज कटी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन रहे हो? आपसे दो मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके पानी का प्रॉब्लम है तो मेरे पास भी फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो। आ रहे, एक सेकंड। अरे यार ये बकवास करने पानी कैसे आ जाएगा? बोल रहा है गंदा बोल रहा है, पानी आएगा मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी, ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ। देखो आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। एक मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग? बोरिंग देखो, बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू अगेन, मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेरे ने, बोरिंग ना तरीका, फोन मत मिला, चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही हूँ। हाँ जी, क्या गंदा बोला आपने? वो कोई वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप, बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं, आप गंदा गाली देंगे। आप जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो, बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15, और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए। अब क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे, अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान, बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल रहा। आज शाइन ने फोन करके बहुआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है, अब इसी पे बहुआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी बोला। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे, आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। ओह इट्स माय चॉइस, वेरी नाइस। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। टुच्चा मत बोल, मारूंगा। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं आया और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना, मेरी सुन मेरी सुन, बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा, एक सेकंड, पापा अंकिल शुभ लोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा? अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो, तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं, बदतमीज तमीज है को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई? एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा, अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके, और ये
नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी की सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। बोल ले, पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल ले तो बेटा, पापा के सामने पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस, इट्स माय चॉइस। फोन कट दिया, फोन क्यों कट दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है, एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही। अब अंकल हुआ तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए, आपका आप... सामान कुछ है भाई साहब? मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या करनी है तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, माय नेम इज सिसी। व्हाट्स योर, एक सेकंड रुकिए। सिसली सर। मैडम व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली क्या? सिसली, SISLY, सिसली। क्या नाम है आगे? एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में, टाई वाई लगा के, सर पर टोपा लगा के, रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है, एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। एक तो मेड को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वासर रनवे तक तेरा बाप लेके आता, दिखा के बोल। गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब करो तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी, आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताने आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार, एक सेकंड। प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। एक सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का जी। अंदर दो लोग हैं जो हेडफोन पे गाने सुन रहे, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे, आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। साला मैं आपकी बेटी। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टू टू एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है, प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे क्या डरा रही है? मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल लिए सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी, खुलेगी खिड़की, क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई सिसली क्या? हेलो, नहीं नहीं, ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी आपकी भी है। देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली, इमरान हाशमी को किसली। ओके बाय। भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया, कहती है जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक तब दिल क्या करे, आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जड़े सुनते हैं। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। आप? मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ, क्लिनिक, क्लिनिक होता है डॉक्टर? नहीं, दुकान वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है। नहीं, जीटी कर्डिनल रोड बाईपास, वो किया, उसको क्रॉस किया। अबे ओ, ओ, एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया, गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला, क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है? नहीं नहीं बेटे, याद कह रहा है वो, याद कह रहा है, याद कह रहे हैं। एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, पर असल में वो पाद होती है। पाद कैसे होती है? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है, दूर रहता है, आपको याद आती है? हाँ। फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है? बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप? नहीं जा पाते, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है। हाँ हाँ हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। ओहो। गैस बनती नहीं? बहुत पागल नहीं। और उसी गैस को, जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है, हाँ, तो वो गैस क्या बन जाती है? याद नहीं, पसे पासे पाद पाद। तो बेटे इलाज करके यूज़ करते हैं, इलाज तो कर दे बुड्ढे नहीं मार।
एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी। वो नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ। अब जो स्ट्रॉ बचा है वो पाइप वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा। वो नली जिससे वो पार्ट इनकी बाहर आ जाएगी, गैस पास हो जाएगा। आप औंधे मुंह लीजिए, इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ यूसुफ? अरे थोड़ा और। यूसुफ की बड़ी याद आती है। मर गया बुड्ढा, मर गया। भाई आयुष ने फोन कर, भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता। अब इसमें बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल एक सेकंड, दादाजी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अंकिल हेलो। हाँ बोल। इतने चिड़ क्यों रहे हो? चिड़ क्यों रहा हूँ तू बता, कौन बोल रहा है? फिर नहीं चिड़ूंगा। मैं बउआ बोल रही हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। दादाजी नहीं, आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं दादाजी, गाने का रियाज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रियाज कर ले। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है, तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जांपल देता हूँ दादाजी। जाना गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाने बोल रहे, जाना गुसल खाना। दादी के साथ भेजते बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग, हमको समझने में दिक्कत होती है। दादाजी मना दे, पानी पिला दे जल्दी, गला सूख। क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखा नहीं देता, चश्मा पकड़ा वो रखो, चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांगने। एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? तोड़ दू मुंह बोले ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह दादाजी, इतना भला बूढ़ा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे ना दे, गाली गाली ना दे। फोन कट गया, फोन कट गया अंकल। हेलो दादाजी, पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। हिमांशु ने फोन करके बउआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो, जांच ली एक बार, कौन होगा कौन नहीं? अच्छे से जांच लूंगा मैं। आजकल पता ना चलता ना, आज कोई आवे बता मैं कुछ निकले कुछ नहीं नहीं। एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं मेरा हुक्का पकड़ा दे, हुक्का ले लो भैया। फोन बात करो, फोन हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी, मैं अपने पापा से बात कर रहा था। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बेटा, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। अच्छा, कौन बउआ? मैं बउआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है? नहीं नहीं, मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। पापा भाई कहाँ काम कर रहे तू? मैं तो फ्री में, कहीं काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा। एक सेकंड, कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहे, बेटा बात कर रहा? एक सेकंड करो, जो भी कर रहा है। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं कर रही, फ्री हो, काम मिलेगा तो कर लोगे। हाँ ऐसा काम होगा अपने लाइफ में, वैसे अपने लाइफ। ठीक है, आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है, प्यार भी सही है, वो भी सही है। वो नहीं नहीं नहीं, वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई, वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी है लंबी? हाँ देखी है, उसी पाइप से गला घोट दूंगा। पाइप हुक्के की मैं भाई। सुनिए मैं कह रहा हूँ, आपकी उंगलियाँ भी बढ़िया है ना? उंगली? हाँ उंगली भी है। कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो, अगर आपकी उंगली बढ़िया है आपको नौकरी मिल सकती है। पापा जी। हाँ बेटा न्यू बता, कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी दो उंगली को चोट मारकर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे दोबारा कहना? उंगली का चोट मारकर टेढ़ी कर देंगे, दो उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा, हम तेरी टेढ़ी कर देंगे।
अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी चाहिए भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो उंगली पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी हाँ। तो देना टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आज गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना बता दे भाई? टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको, डेढ़ी का दुकान है हमारा। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है बहरा, तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया? हैं क्या कर देंगे? तुमने कहा टेढ़ी उंगली थी, टेढ़ी है मेरे घर में, दे दे कि तुम्हारी टेढ़ी करवा दूं। फोन दाग नौकरी 5 इसको लगा दिया फोन तूने रे भाई, गंदा बोल गंदा बोले पापा, क्या टेढ़ी हो करवा दी उंगली है। देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो, फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो, और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई, मुझसे बात कर? एक सेकेंड, बहुत कुछ हो क्या? एक सेकंड, कौन है? कहीं फोन लगा है, आप बात करो। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को, और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दी? अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के, बेटे से बढ़ के डॉगी, डॉगी घट का। कैसे नाम रखे? क्या नाम, क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, नाम रखे। हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया पूजो, क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए, ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से, उन्होंने जाके ताई को काट, ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी, और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए, और ताई जी बच गई, और पूजो बच गया। बे मत काटो नहीं यार, एक सेकंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी किसने दी मुसीबत? पूजो, पूजो का मेरे अटैक, अटैक पूजो, अटैक पूजो तेरी काट लेगा। भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू, शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, रबड़ी, ये क्यों नहीं होती? इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या बात, जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार? इसी बात के लिए, इसी बात के लिए। एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने। बैरागी कौन बैरागी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप। हाँ। भाई साहब पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन सुन, जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, फालतू जिम्मेदारी। छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा जल्दी, प्लीज खाली पूरे दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को, शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे। पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा? खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा, पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसा कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली है। भाई साहब आप हैं लाइन पे? छोटा सा ब्रेक, लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं। सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है भाई साहब आप हैं लाइन पे? लाइन पे बोल रहे।
तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता, मंथन किया, जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था वो सागर, सागर में मंथन हुआ क्या था? बात तो सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? तो सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है, हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है, इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले। थैंक यू वेरी मच। मैं IAS भाई साहब, आप लाइन पे है ना? अंडा बोला आपने, बैरागी को फोन दे, कह रहे हैं भाई साहब, कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। तीन ने फोन काट दिया, कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं बहुआ, और मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू, इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती है कि यू गाइज आर रॉकिंग। भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बहुआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं नहीं, मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं, मैं कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बताओ। भाई गलत कहाँ मिला दिया फोन। नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। भाई किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया, ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में, एक औरत है जिसकी मदद करनी है। कौन है भाई औरत? अम्मा है क्या तेरी? एक गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में, वो ऑटो वाले भाई ने मुझे कुछ सुनाया। अच्छा उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार, तू जल्दी बता। जो शॉर्ट, एक सेकेंड, उस औरत की आवाज सुना दो, मैं सुन, ये सुनिए। तू गिड़ियो मत, ना नहीं समझ गिड़ियो, सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। एक सेकेंड, दद्दा जी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस बेच सीखा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई बेच गया? हाँ, सनु नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी घूम, वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? तू मुझसे सुन लेगा? तू नहीं, तू सुन, किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? यहाँ से ना आप राइट लेंगे, राइट राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, थर्ड वो सौरभ, सौरभ का घर है। एक देखा, एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल। या हेलो, आपसे दो मिनट चाहिए था। कहिए, मैं किसके घर पहुँच? एक सेकेंड, आपका नाम क्या? सौरभ सेक्सेन। सौरभ साला ले, अब उसकी आपको एक महिला ढूंढ रही है। Who? इसको पहचानते हैं आप? नहीं, ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस एक्चुअली दैट सौरभ वाज सेटल्ड इन दुबई, आई एम सौरभ सक्सेना। इनसे बात करूँ ना? हेलो सौरभ सक्सेना, सुन मेरी बात। यस, एक काम कर, इसकी बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पीपल। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी पे बहुआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बहुआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बहुआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक अब हेलो, कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरण सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई चाहे लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना, ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, मैनू मैनू कायदे से गाने टेनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि, यो एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है, या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बहुआ, तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा। बहुआ गया तेरी। एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है, ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है?
हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंने, इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे। एक सेकंड रुकिए जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी